हेलो, गुड इवनिंग। वंस अगेन यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन आवर फेवरेट चैनल देव क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से पुनः आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ लेकर के एक नया चैप्टर, एक धमाकेदार चैप्टर, एक जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। मैं आज का जो क्लास है बहुत ही धांसू होने वाला है और आप सबके दिमाग आज खुल जाएंगे, ठीक। क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आज तक कभी आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा और आप ऐसा समझे नहीं होंगे कि आज इस क्लास में कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। मैं आशीष सर फ्रॉम देव क्लासेस आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ टाइम एंड टेंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता टाइम एंड क्या होता टेंस? टेंस आप बहुत पढ़े होंगे, बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते आ रहे हैं। सर तातेती है तो प्रेजेंट, फिर सर रहा रही रहे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सर चुका चुके चुके तो प्रेजेंट परफेक्ट, सर गागेगी है तो फ्यूचर। ना जी ना, आज आपके सारे के सारे भ्रम मैं दूर करने वाला हूँ इसी क्लास में। तो मेरे साथ कलम और कॉपी ले लीजिए और हो जाइए तैयार नोट करने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस क्या होता है? टाइम एंड टेंस, ठीक है। जैसा हमने आपको क्या बताया कि बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते आ रहे हैं, अपनी बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा कि सर यदि ता है ती है ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रहा है रही है रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चुका है चुके है तो प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, गागेगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज इन्हीं पर से पर्दा उठाने के लिए हम आपको जड़ से सिखाने के लिए आ गए हैं, ठीक। आपकी स्पीकिंग के लिए हेल्पफुल है, आपके लिए एग्जाम्स के लिए तो 100% यूजफुल है और आपके नॉलेज के लिए यूजफुल है। आज टेंस पढ़ने के बाद आप कहेंगे वाव सर, वाव वंडरफुल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता टाइम एंड टेंस? देखिए टेंस हम पढ़े हैं लेकिन टाइम नहीं पढ़े हैं। तो आज टाइम और टेंस जब दोनों क्या होते हैं, कंपल्सन होते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो हम लोग टाइम भी मिल जाता है, टेंस भी मिल जाता है, दोनों मिला के बनते हैं टाइम एंड टेंस, ठीक। तो टाइम एंड टेंस से आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने आपका टेस्ट का चैप्टर, टेंस का चैप्टर शुरू किया है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं टाइम एंड टेंस क्या होता है। टाइम एंड टेंस तो पहले हम ये जानते हैं, यानी क्या कहेंगे कि लिखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन, इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहा? टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी आप खुद समझिए कि हमारा यदि बैकबोन ना हो तो क्या हम खड़े रह पाएंगे? नहीं। तो उसी प्रकार से आज आपका टाइम एंड टेंस स्टार्ट होना, एक तरीके से कह लीजिए कि यह चैप्टर आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है कि किस प्रकार से जब एक व्यक्ति के शरीर से बैकबोन हट जाता है तो कैसा वो हो जाता है, तो बैकबोन रहने से कैसा हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा यह टाइम एंड टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? बैकबोन है। तो इसको जड़ से सीखें, जड़ से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जड़ से बताने वाला हूँ। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने लूँगा, एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके माइंड में सीधे मैं आज प्रवेश करा दूंगा। आप मेरे साथ अभी जस्ट आप आज समझ जाएंगे, जान जाएंगे। कैसे मैं ले रहा हूँ, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। क्या हमने लिखा? टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है। हमने क्या बताया? टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हमने एक सेंटेंस लिखा बिल्कुल नॉर्मली, बहुत आराम से मैं पढ़ाने वाला हूँ, आराम से आपको सीखने की ज़रूरत है कि आज का चैप्टर कैसा है, क्या हम सीख पाते हैं, ठीक। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यदि हम इसमें पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा टाइम है और कौन सा टेंस है, कौन सा टाइम है और कौन सा
टेंस है। यदि हम इसमें टाइम की बात करते हैं आप लोग को बताना है, और इसमें टेंस की बात करते हैं वो भी आप लोग को बताना है। ठीक, हमने सेंटेंस क्या लिखा, सेंटेंस लिखा टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो टाइम की बात करते हैं, इसमें टाइम क्या है, तो टाइम यदि पूछा जाए तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टाइम क्या कह रहा है, टाइम कह रहा है सर फ्यूचर। कौन सा टाइम है, टाइम कह रहा है फ्यूचर, टाइम कह रहा है फ्यूचर। ठीक, टाइम कह रहा है फ्यूचर। और सर टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, सर टेंस भी फ्यूचर है, टेंस भी फ्यूचर है, सर टेंस भी फ्यूचर है, क्योंकि अंत में गागेगी हुआ होगा, गागेगी आता है, तो सर फ्यूचर टेंस होता है। नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं है भाई, फ्यूचर टेंस नहीं है। कैसे, क्योंकि यह है प्रेजेंट, यह क्या है, यह प्रेजेंट है। कैसे सर, बता दो सर, मार हो जाएगा सर, कैसे, ये तो फ्यूचर टेंस है। नहीं, ये प्रेजेंट टेंस है, अभी, इसी से तो आपका आज मानसिकता चेंज करना है मुझे, क्योंकि मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो आज तक आप पढ़े नहीं हैं, जो आज तक आप जाने नहीं हैं। ठीक, तो टाइम एंड टेंस का मिक्स क्लास में जो ले रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, फॉर योर इंट्रोडक्शंस, फॉर योर स्पीकिंग। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या मैंने कहा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, कैसे, इसी को तो हमें प्रूव करना है, आखिर कैसे सर, हमने तो किताब में ये पढ़ा है, किताब में ये पढ़ा है, किताब में ये पढ़ा है, छोड़ दो सारे किताब को, फेंक दो सारे किताब को, क्योंकि मैं आ चुका हूँ आपके बीच, आपको पढ़ाने, आपको सिखाने और आपको समझाने। चलिए, तो हो गया टेंस में, हमने क्या कहा, प्रेजेंट टेंस की बात किया। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइम और टेंस क्या होता है, क्या हम आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अपने एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आप लिख लीजिएगा टाइम, क्या लिखेंगे, टाइम सोज, क्या लिखेंगे, टाइम सोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द ऑफ द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम क्या करता है, टाइम क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को दर्शाता है, उसके अर्थ के आधार पर हम बताते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस प्रेजेंट की, मैं पढ़ा था पास्ट की बात, मैं पढ़ूंगा फ्यूचर की बात, तो हमने क्या कहा, टेंस, सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर हम लोग टेंस को पहचान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम क्या करता है, सेंटेंस को मीनिंग को दर्शाता है। हम मीनिंग के आधार पर बताते हैं, उसके अर्थ के आधार पर बताते हैं कि हम ये कार्य कर लिए हैं, ये काम करने वाले हैं, ये काम हम कल करेंगे, है ना, तो मीनिंग के आधार पर बताते हैं हम लोग, अर्थ के आधार पर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो आगे बात करते हैं, यानी मीनिंग के आधार पर क्या होता है, मीनिंग के आधार पर हम लोग टेंस को बताते हैं, यानी क्या कहते हैं कि वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, किसका हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो हो सकता है वो पास्ट का भी हो सकता है, और वो फ्यूचर का भी हो सकता है, किसका हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। जैसे हमने क्या कहा कि मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब मीनिंग के आधार पे तो आप बता रहे हैं, तो क्या हुआ, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द एक्शन। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या आपको बताने का चाह रहा हूँ, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी टाइम क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को दर्शाता है, सेंटेंस के अर्थ को दर्शाता है, अर्थ के आधार पर हम क्या करते हैं कि मीनिंग की, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, और वो फ्यूचर का भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर का भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस देख लीजिएगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर क्या कहेंगे, मैं पढ़ रहा था, ठीक, फिर क्या कहेंगे, मैं
पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। आप देख लीजिए अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया। तो सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करते हैं, टेंस के आधार पर नहीं, टेंस के आधार पर नहीं, टाइम के आधार पर। टाइम क्या प्रेजेंट होगा, वो पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप लोग खुद सवाल आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, टेंस, टेंस की बात करते हैं, क्या होता है टेंस की बात करते हैं। ठीक है, टेंस में हम देखते हैं टेंस सोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। बात समझ लेना, क्या हमने कहा, टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी टेंस क्या दर्शाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर दर्शाता है। स्ट्रक्चर मीन्स होता है वर्ब, स्ट्रक्चर इज इक्वल टू वर्ब, यानी क्या कहा, स्ट्रक्चर इक्वल टू, हमने क्या कहा, वर्ब, स्ट्रक्चर इक्वल टू वर्ब होता है। वर्ब यानी कि हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, वर्ब को देखते हैं, और वर्ब कभी फ्यूचर में नहीं होता। यानी वर्ब किस में होता है, वर्ब में होता है या तो होगा प्रेजेंट में, या तो होगा पास्ट में, या तो हो गया प्रेजेंट में, या तो होगा पास्ट में। कभी भी वर्ब फ्यूचर का होता है क्या, आप ही बताओ ना, क्या कई वर्ब फ्यूचर का होता है क्या, नहीं होता है, वर्ब फ्यूचर का नहीं होता है। यदि वर्ब वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं मेरा, तो प्लेलिस्ट में जाएं और वर्ब का वीडियो देखें, तब आप वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो प्रेजेंट यानी क्या कहा, टेंस कौन कौन, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, तो टेंस का भी फ्यूचर नहीं होता है। आज से आप सारे के सारे भ्रम को निकाल देंगे, अभी मैं आके प्रूफ करने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे कि सर बिल्कुल यू आर राइट सर। आज तक हम लोग अंधेरे में जी रहे थे, अंधेरे में पढ़ रहे थे, अंधेरे में समझ रहे थे, लेकिन आपने मेरी आँखें खोल दी सर। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। तो क्या हो गया, टेंस आपका प्रेजेंट हो गया और पास्ट हो गया, टेंस कभी फ्यूचर नहीं होता है। ठीक, आप कह रहे होंगे, आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर विल सेल, विल सेल शुड, ना बेटा ना, वो तो मॉडल्स होते हैं, वो मॉडल्स, अभी मैं मॉडल्स का भी क्लास लेने वाला हूं, मॉडल्स का जबरदस्त क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, तो हो गया प्रेजेंट और पास्ट। ठीक, तो हमने क्या बताया, टाइम को बताया, टेंस को बताया, जो चीज़ को हमने बताया, तो वर्ब की बात हमने की, किसकी बात की, वर्ब की। वर्ब कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है, वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है और पास्ट में होता है। ठीक, तो द टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इस प्रकार से प्रेजेंट में हो गया और पास्ट में हो गया। चलिए तो क्या हमने बताया, जो वर्ब होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और पास्ट होते हैं, कभी टेंस फ्यूचर नहीं होता। देख लो ना, आप अभी देखो, तुरंत देखो क्या होता है भाई, वर्ब के कौन कौन से फॉर्म, कितने फॉर्म होते हैं, पांच फॉर्म होते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के फाइव फॉर्म। जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट का होता है, किसका होता है, प्रेजेंट का होता है। ठीक है, पहला फॉर्म किसका होता है, प्रेजेंट का होता है, दूसरा फॉर्म पास्ट का होता है, तीसरा फॉर्म परफेक्ट का होता है, और चौथा फॉर्म कॉन्टिन्यूअस का होता है, किसका होता है, कॉन्टिन्यूअस का होता है, और पांचवा फॉर्म भी प्रेजेंट का ही होता है, प्रेजेंट का ही होता है। तो कहाँ गया फ्यूचर, कहाँ गया फ्यूचर, आप ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सारे काम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इसको समझो। बहुत ही जड़ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्या हमने कहा, वर्ब के पांच फॉर्म्स, जिनमें पहला फॉर्म प्रेजेंट का, दूसरा फॉर्म पास्ट का, तीसरा फॉर्म परफेक्ट का, चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस का, और पाँचवा फॉर्म्स भी प्रेजेंट का ही होता है। चौथे फॉर्म में आईएनजी लगा जाते हैं तो हो जाता है कंटिन्यूअस, और पांचवे फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है तो होता है प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही उसको यूज करते हैं। ठीक, आंखें खुल रही है, आज पूरी तरीके से आंखें खुल जाएंगी, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे ऐसा क्लास देख करके। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है भाई, वर्ब की बातें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या हमने कहा,
हमने आपको जैसे एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, टेस्ट टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है। तो हमने आपको पूछा था इसमें टाइम पूछा था और टेंस पूछा था, ठीक। तो ये बातें सही हो गई होंगी। टाइम क्या है, टाइम आपका फ्यूचर है, और टेंस क्या है, टेंस आपका प्रेजेंट है। टेंस क्या है, टेंस आपका प्रेजेंट है, क्योंकि टेंस कभी फ्यूचर नहीं होते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं टेस्ट मैच कब शुरू होगा, इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। अब लेते हैं फ्यूचर एक्शन प्लान, क्या लेते हैं भाई, फ्यूचर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान यानी कहने का मतलब यह है, फ्यूचर एक्शन प्लान कहने का मतलब है फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, क्या होता है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लोग काम करते हैं वो सभी के सभी काम फ्यूचर एक्शन प्लान होता है। कैसा काम होता है, फ्यूचर एक्शन प्लान, यानी कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, सारे के सारे हम क्या होते हैं, सब फ्यूचर में ही तो हम सोचते हैं। भाई एक सेकेंड पीछे भी गया पास्ट की बातें, एक सेकेंड भी आगे गया फ्यूचर की बातें। तो हर एक काम हम लोग क्या सोचते हैं, हर एक काम हम लोग फ्यूचर में सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं। इसलिए हर एक वर्क को क्या बोलते हैं, फ्यूचर एक्शन प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन प्लान बोलते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक। तो हमने इस बार से आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कि दुनिया का हर एक काम, क्या दुनिया का हर एक काम फ्यूचर एक्शन प्लान है, ठीक। आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दुनिया का हर काम फ्यूचर एक्शन प्लान है, फ्यूचर एक्शन प्लान है, ठीक है। दुनिया का हर एक काम फ्यूचर एक्शन प्लान है, ठीक। तो बात समझ रहे हैं ना, फ्यूचर एक्शन प्लान, बिना एक्शन का कोई भी हम लोग काम नहीं करते हैं। वर्ब का यदि वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, ठीक है। वर्ब यानी क्या, हमने कहा फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, हम लोग जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सभी के सभी फ्यूचर एक्शन प्लान होते हैं। हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, फ्यूचर में काम करने के लिए सोचते हैं, करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे सिर्फ और सिर्फ क्षण भर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन अभी एक सेकेंड अपन आगे पीछे कर ले तो बस वही पास्ट और फ्यूचर की बात आ जाती है, ठीक है। यानी पास्ट हो गया और जो आगे हम सोच रहे हैं फ्यूचर की बातें होती है। तो हर एक कार्य जो हम सोचते हैं सब फ्यूचर एक्शन प्लान होता है, ठीक है। हमारा सारा प्लानिंग फ्यूचर के लिए ही होता है, ठीक है। चलिए तो क्या हमने कहा भाई, फ्यूचर एक्शन प्लान, फ्यूचर प्लान एक्शन में क्या होता है, बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा, बहुत ही आराम से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या होता है ध्यान दीजिए। तो फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन में क्या होता है, दो बातें आती हैं। कितने बातें आती हैं, दो बातें आती हैं। एक जो एक्शन होता है वो फिक्स होता है, और एक जो एक्शन होता है नॉट फिक्स होता है। क्या होता है, नॉट फिक्स होता है। बात समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बता रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर प्लान एक्शन में दो बातें होती है, एक हमारा प्लान क्या होता है, फिक्स होता है, और एक हमारा प्लान क्या होता है, नॉट फिक्स होता है, ठीक है। नॉट फिक्स होता है यानी फिक्स में क्या होता है, 90%, यानी क्या होता है, 90% उसमें क्या होता है, एक्शन होता है, 90% एक्शन होता है। फिक्स काम में 90% एक्शन होता है, और जो नॉट फिक्स होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही एक्शन है ना, 50% ही एक्शन, यानी वो काम अधजर में लटका होता है, पेंडिंग में लटका होता है, ठीक है। तो जो काम एक्शन से होता हो, जिस भी काम, जिस कार में एक्शन हो, वो 90% एक्शन करता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसमें पब्लिक, क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक एक्शन होता है, वो क्या होता है, पब्लिक एक्शन होता है, ठीक, पब्लिक एक्शन होता है।
अब थोड़ा इस तरह से हम आपको इसको मिटा के बता रहे हैं किस प्रकार से, भाई ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं हम, है ना, इसके नीचे भी बताएंगे ठीक। तो फिक्स हमने क्या बताया, फिक्स में 90% एक्शन होता है, 90% एक्शन होता है यानी काम 90% होने की संभावना होता है, और पब्लिक के पब्लिक एक्शन होती है, वो आपका पर्सनल नहीं होता, वो पब्लिक एक्शन होता है, पब्लिक कार्य होता है ठीक है, पब्लिक कार्य होता है। और ऐसे में ऐसे फिक्स में क्या होता है, पावर होता है, क्या क्या होता है भाई, पावर होता है ठीक, पावर होता है, एबिलिटी होती है, क्या होते हैं, एबिलिटी होती है यानी पावर होता है, एबिलिटी होता है, हाँ कंपल्सन होता है ना, कंपल्सन होता है ठीक, कंपल्सन होता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, जब ऐसे प्रोसेस दिख जाएं, ऐसे प्रोसेस दिख जाएं तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे ये सबको, क्या बोलेंगे इन सबको, बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस, है ना, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस, बात को समझिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ा रहा हूँ, बात समझे, फिर से आपको एक बार नहीं बार बार इसको देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, क्या बोला कि जो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन होता है, जो हम सोचते हैं, जो कार्य करने के लिए हम फ्यूचर में सोचते हैं, वो दो तरीके से सोचते हैं, दो तरीके से काम करता है, एक वो काम होता है फिक्स, एक होता है नॉट फिक्स। तो अभी फिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स में 90% एक्शन होता है यानी जो काम करेंगे वो 90% काम होता है, ऐसे जब काम करेंगे तो उसमें पावर होता है, उसमें एबिलिटी होती है, उसमें कंपल्सन होता है, और वो काम पब्लिकेशन होता है, पब्लिकली होता है, वो आपका पर्सनल काम नहीं होता, पब्लिकली होता है। तो ऐसे जब उसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कंपल्सन हो, पब्लिकली हो, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे जैसे हवाई जहाज उड़ने वाली होगी, या हवाई जहाज कल उड़ेगी, या हवाई जहाज कल उड़ेगी, या ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी यानी कहने का मतलब क्या, हवाई जहाज उड़ेगी यानी आपको हवाई जहाज पे जाना है, आपको ट्रेन पकड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, वो आपके लिए नहीं रुकेगी, क्यों, क्योंकि वह पब्लिकली है, वह पब्लिकली है, उसमें पावर है, उसमें एबिलिटी है, उसमें कंपल्सन है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ठीक। तो कहने का मतलब हम तातेती को नहीं लेंगे, तातेती को नहीं लेंगे, इस चक्कर में मत रहिएगा कि तातेती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट ही कहलाएगा, नहीं, यदि उसमें कंपल्सन है, उसमें एबिलिटी है, उसमें पावर है, वह पब्लिकली हो तो उसे प्रेजेंट कहेंगे, उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे ठीक है। इस बात को समझ गए होंगे, जैसे हमने क्या कहा कि यह ट्रेन कल 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन कल 10 बजे जाएगी। अब ट्रेन में क्या है, पावर है, ट्रेन को कल जाना ही जाना है, 90% कार होता है, एक्शन कितने परसेंट, 90% कार होता है, ट्रेन को जाना ही जाना है। यदि आपको इस ट्रेन से जाना है तो आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पहले तैयार रहना पड़ेगा, ट्रेन आपके लिए रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी ठीक है। तो हमने क्या कहा, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह प्लेन 12 बजे उड़ान भरेगी, तो क्या है, क्या प्लेन आपके लिए रुकेगी, नहीं, प्लेन क्या है, पब्लिकली है, आपका पर्सनल नहीं है, है ना, बात समझ रहे होंगे बिल्कुल। अभी मैं आपको एग्जांपल्स, आपको मैं हजारों एग्जांपल्स देने वाला हूं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो हमने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं जिस सेंटेंस में पावर हो, एबिलिटी हो, कंपल्सन हो, पब्लिक कार्य हो वो, और उसमें 90% एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। चलिए बात करते हैं हम लोग नॉट फिक्स की, क्या बात करते हैं भाई, नॉट फिक्स की बात करते हैं। तो नॉट फिक्स की बात करते हैं, इसमें नॉट फिक्स का मतलब क्या, मतलब वो कार 50% ही होते हैं, वो पेंडिंग में पड़े रहने की संभावना है, पेंडिंग में पड़े रहने की संभावना है। जैसे जैसे हमने क्या कहा, जैसे मैं कल परीक्षा दूंगा, ये क्या होगा,
भाई मैं परीक्षा दूंगा, हो सकता क्या कि मेरा परीक्षा देने का मन ना हो, वो क्या हो पर्सनल हो, यानी सारे के सारे का अपोजिट, यानी उसमें एक्शन 50%, कितने परसेंट 50%, एक्शन 50%, उसमें पावर नहीं होता, उसमें एबिलिटी नहीं होती, उसमें कंपल्शन नहीं होता, वो पब्लिकली नहीं, वो पर्सनल होता है। जब पर्सनल होता है तो उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। बात समझ गए होंगे आप लोग, मैं अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड से खेल रहा हूँ, माइंड से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो बात को समझिएगा, आज से आपको तातेती के पीछे नहीं भागना है कि गा गेगी है तो फ्यूचर होगा, तातेती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नहीं ना बेटा ना, सारे के सारे सवाल आप गलत कर देंगे। तो इन एक्शंस को आप अभी इसको कॉपी पर डाउनलोड कीजिए और बार बार देखिए इसको, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखिए। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो क्या कहा, नॉट फिक्स की बात हमने कर दी, नॉट फिक्स यानी वो पर्सनल है। जैसे कल मैं स्कूल जाऊँगा क्या है मेरा मन, हो सकता है मैं बीमार हो गया, हो सकता है कुछ और काम हो जाए, मैं स्कूल ना जाऊँ, वो पर्सनल है। पर्सनल जो पर्सनल होता है उसमें एक्शन सिर्फ और सिर्फ 50% की संभावना रहती है, उसमें कोई पावर ना हो, वो आपका सिर्फ आपका काम है, आपका पर्सनल काम है, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है? चलिए, यह प्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, यह प्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, 8 बजे उड़ान भरेगी, ठीक। और उसे लिखा हमने, मैं 8 बजे प्लेन पर चढ़ूंगा, मैं 8 बजे प्लेन पर चढ़ूंगा, ठीक है, प्लेन पर चढ़ूंगा। आपके सामने दो सेंटेंस दिया है और दोनों सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको बताना है कि यह कौन प्रेजेंट का है और कौन फ्यूचर का है, कौन प्रेजेंट टेंस का है और कौन फ्यूचर टेंस का है, ठीक। या प्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, क्या प्लेन आपके लिए रुकेगी? नहीं। आप लेट हो गए तो कौन जिम्मेदार? मैं खुद जिम्मेदार। इसमें पावर है, उसमें एबिलिटी है, उसमें कंपल्शन है, प्लेन पब्लिकली है, तो कौन सा टेंस? बोलो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस सर। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा देखिए, मैं 8 बजे प्लेन पर चढ़ूंगा, मैं 8 बजे प्लेन पर चढ़ूंगा, हो सकता है आप मिस कर दें, हो सकता है आपका तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, कोई इश्यू हो जाए, क्यों? क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। जरूरी नहीं है कि मैं 8 बजे चढ़ ही जाऊंगा, मिस भी कर सकता हूं, जाने का मन ना हो, टिकट ना मिले, तो बहुत सारे इशूज हैं जो इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पावर नहीं है, इसमें एबिलिटी नहीं है, इसमें पब्लिकली नहीं है, पर्सनल है। जब पर्सनल होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे इनको, सिंपल फ्यूचर टेंस। आप समझ गए होंगे, मैं इजी से इजी आपको एग्जांपल दे के बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, आप सभी समझदार हैं, बस क्लास को अच्छे से समझना है, उसको लिखते रहना है। जहाँ ना आए आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर एक क्वेरी का जवाब, आपके हर एक कमेंट्स का जवाब मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमने कहा भाई, ये तरीके हो गया आपका, ये तो था टाइम और टेंस को स्टार्ट करने के पहले की बातें, हमने आपको झलक दिखा दिया। क्या दिखाया हमने? झलक दिखाया कि प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो आज से आप सभी लोग गांठ बांध लेंगे, तातेती के पीछे नहीं भागेंगे, गागेगी के पीछे नहीं भागेंगे, आप उसमें एक्शन देखेंगे, उसमें एबिलिटी देखेंगे, उसमें पब्लिकली देखेंगे, उसमें 90% की बात करेंगे, उसमें 50% की बात करेंगे, तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं, ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं भाई, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। जैसे होगा टाइम, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस की बात कर रहे थे, टाइम एंड टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है।
टाइम एंड टेंस की बात कर रहे थे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम में जो टेंस जो टाइम होता है टेंस होता है, ये तीन प्रकार से डिवाइड हो गया है। कौन कौन डिवाइड हो गया भाई? हम सभी जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रेजेंट के भी चार काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी सर चार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो आप सर वही बता रहे हैं जो हम पढ़े हैं, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से आप पढ़े होंगे, लेकिन सर कुछ नया तो पढ़ाइए। बिल्कुल मैं आपको नया देने वाला हूँ। देखिए कैसे टेंस और टाइम और टेंस कैसे आप लोग के लिए आज वरदान साबित होता है। चलिए तो बात करते हैं सिंपल टेंस की। सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आप पढ़ेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग पहला बात समझते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट में है भाई, है ना, क्या क्या कॉन्सेप्ट में है। तो पहला आपको देंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या देंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक। दूसरा क्या देंगे? बेसिक स्ट्रक्चर देंगे आपको, ठीक है। क्या देंगे? बेसिक स्ट्रक्चर देंगे, ठीक। तीसरे की बात करते हैं, बेसिक ट्रांसलेशन आपको देंगे हम। क्या देंगे? बेसिक ट्रांसलेशन आपको देंगे। चौथी बात हम आपको क्या देने वाले हैं? पर्सन आपको देंगे। पांचवी जो बात देंगे, कॉजेटिव वर्ब देंगे। क्या देंगे? कॉजेटिव वर्ब देंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। जो छठवां आपको कॉन्सेप्ट देंगे वो एडवांस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? एडवांस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। छठवें की बात होते हैं, सातवां पॉइंट जो हम आपको देने वाले हैं सातवें में क्या होगा? एडवांस ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। और आठवां पॉइंट क्या देने वाले हैं? आठवां पॉइंट बेसिक कॉमन एरर। क्या देंगे? बेसिक कॉमन एरर आपको देंगे। और नौवां पॉइंट एडवांस कॉमन एरर देंगे। क्या देंगे? एडवांस कॉमन एरर। और लास्ट जो आपको हम देंगे, लास्ट है कंडीशनल। क्या देंगे भाई? कंडीशनल देंगे आपको। तो ये है आपका पास्ट यानी सिंपल प्रेजेंट में इतने कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। एक एक बारी बारी से मैं आपको लेकर के चलूँगा, तब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे टाइम इन टेंस का। यदि आज का क्लास आप समझ गए तो इंग्लिश अंग्रेजी ग्रामर आप सभी के लिए एकदम हलवा बन जाएगा, एकदम आप खेलने लगेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे 10 पॉइंट थे। अब दूसरा आता है बेसिक स्ट्रक्चर। बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की। तो क्या दूसरा पॉइंट था? बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। यदि आप स्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो पूरा टेंस और टाइम के जो आपका ये चैप्टर है बहुत ही इजी हो जाने वाला है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपको एक एक करके देने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको कॉपी पर नोट करते रहिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर भाई, मैंने आपके सामने दो लिया, क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या लिखा? ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन किसके लिए आता है? प्रेजेंट के लिए आता है। हमने क्या था? प्रेजेंट के लिए आता है, ठीक। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। हमने दो स्ट्रक्चर लिखा। क्या लिखा? दो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा। ये किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए। किसके लिए है?
पॉजिटिव के लिए है, बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो पहला हमने फार्मूला लिया है, पहला स्ट्रक्चर लिया है, वो सब्जेक्ट वर्ब भी वन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, फिर सेकेंड लिया सब्जेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, एस या ई एस बोलते हैं, एस या ई एस लगाते हैं और अदर वर्ड लगाते हैं। तो बात ध्यान देने की है कि कहाँ भी वन लगता है, कहाँ भी फाइव लगता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट यदि हो प्लूरल, क्या हो प्लूरल हो, यानी सिंगल लाइन होता है तो सिंगुलर, क्या होता है भाई सिंगुलर, सिंगल होता है सिंगुलर, और डबल होता है तो प्लूरल, क्या होता है प्लूरल होता है, सिंगल लोग होते हैं तो सिंगुलर और डबल हो जाते हैं तो प्लूरल होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, लगेगा ना प्लूरल, क्या लगेगा भाई प्लूरल, सब्जेक्ट भी क्या हो गया प्लूरल। बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, बात समझ गए, जैसे मैं क्या लिखा है ना, बात समझिएगा जैसे मैं लिखा रीता और सीता स्कूल जाती हैं, स्कूल जाती हैं, है ना, रीता और सीता स्कूल जाती हैं, ठीक, कितने हो गए, रीता एक सीता एक, तो ये दोनों मिला कितना हो गए, दो हो गए। फिर से बताता रहा हूँ, जब कोई सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ा गया होता है तो हमेशा वो होता है प्लूरल, जब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल, बात समझ गए। तो कैसे बनाएंगे इसको, आप आराम से बना देंगे, यानी कि राम एंड सीता, राम एंड सीता, ठीक है, राम एंड सीता, अब राम एंड सीता कितने लोग, दो लोग, सेपरेट क्या हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल। तो क्या करेंगे, जाना क्या है वर्ब हो गया, गो, क्या हो गया गो हो गया, ठीक, गो एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा अपने साथ टू लेता है, क्या लेता है टू लेता है, कब, वहाँ कंडीशन अप्लाई होता है, कब लेता है टू भाई, जब टू लेता है वो, यानी गो के साथ क्या होता है, या रहेगा प्लेस, प्लेस रहेगा, या रहेगा वर्ब, या रहेगा वर्ब, तो इसके पहले टू लग जाएगा, इसके पहले भी टू लग जाता है, गो टू, गो टू स्कूल, स्कूल क्या है प्लेस है ना, आई एम गोइंग टू रीड, आई एम गोइंग टू रीड, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, आई एम गो टू रीड, तो क्या होगा वर्ब के साथ टू लेता है, वर्ब के साथ टू लेता है, और प्लेस के साथ क्या लेता है टू लेता है, तो गो एक ऐसा वर्ब है, तो राम एंड सीता गो टू, गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा भाई गो टू स्कूल हो जाएगा, राम एंड सीता गो टू स्कूल, एक हमने आपको दिया, क्या दिया सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है, बात समझिएगा, और सब्जेक्ट होगा क्या सिंगुल, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट होगा क्या, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगा भाई, वर्ब भी लगेगा ना सिंगुलर, लगेगा कि नहीं लगेगा सिंगुलर, बताओ बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जैसे हमने कहा रीता स्कूल जाती है, रीता स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा रीता, रीता हो गया, अब सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे, तो क्या लगा देंगे गो में क्या लग जाएगा ई एस, रीता गोज, फिर लग गया टू और हो जाएगा स्कूल, रीता गोज टू स्कूल, हो गया ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल आपके माइंड में आज डाल देने वाला हूँ अंग्रेजी, ठीक है, आपको अच्छे से आ जाने वाला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कभी नहीं भूलेंगे, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो गया कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट में वर्ब में क्या है जस्ट अपोजिट है, वो जन्म से कैसे होते हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा से लिखा राम, हाँ राम एंड सीता, फिर हमने लिखा गो, क्या लिखा गो लिखा, फिर हमने यहाँ के लिखा राम, फिर हमने लिखा गोज,
क्या लिखा, गोज लिखा। ठीक है, बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी हमेशा जो वर्ब होते हैं वो जन्म से होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? जन्म से होते हैं प्लूरल होते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है वो जन्म से होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे राम, राम क्या जन्म से क्या सिंगुलर। और यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ब जो होता है आपका वर्ब हो जन्म से होता है प्लूरल, लेकिन उसको बनाना पड़ता है सिंगुलर। ऐसा यस लग गया तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया सिंगुलर। ठीक है, बात समझ गए। तो मैंने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है वो जन्म से दोनों क्या होते हैं, वर्ड अपोजिट होते हैं। सिंगुलर हमेशा जन्म से क्या होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट जन्म से होता है सिंगुलर और वर्ब जन्म से होता है प्लूरल। तो सब्जेक्ट को एस या यस लगा करके उसको हम लोग बनाते हैं प्लूरल, और जो आपका वर्ब है वो हमेशा होता है प्लूरल लेकिन उसको एस एस लगा के बनाते हैं सिंगुलर। बात समझ में आई, बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें हो जाती है इसकी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है भाई, नेगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव की। मैं आपको एक सेंटेंस के पूरे छः छः कैसे बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। सिंपल सिंपल टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, आप अच्छे सीख जाएंगे। ठीक, तो नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में क्या होता है भाई, क्या इसका फार्मूला होता है? फार्मूला हो गया इसका सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाता है, डू या डज लग जाता है, डू या डज लग जाता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, उसके बाद अदर वर्ड हो जाता है। क्या होता है? उसके बाद अदर वर्ड हो जाता है। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस में प्रवेश करते हैं, जैसे आप नकारात्मक सेंटेंस में प्रवेश करते हैं, वाक में प्रवेश करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लीजिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, दोनों सेम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो हमने इंडेफिनिट, हमने क्या बता दिया, हमने आपको पॉजिटिव की बातें बता दी। उसके बाद हम बताते हैं आपको किसका, नेगेटिव सेंटेंस का, कि नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे नेगेटिव सेंटेंस भाई, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है भाई, नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में हम जब बात करते हैं तो क्या इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर तो समझिए, स्ट्रक्चर को समझ गए तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप यूं यूं बना लेंगे चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं क्या हमने लिखा भाई। हम लिखे लता, लता स्कूल नहीं जाती है, लता स्कूल नहीं जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, बनेगा सब्जेक्ट क्या हो गया, लता हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, लता हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, लता एक है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट, यानी डज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हो जाएगा गो, गो अपने साथ लेकर था टू, तो हो जाएगा लता डज नॉट गो टू स्कूल। बन गया ना, बहुत आसान तरीके से बन रहा है, आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए आगे की बात करते हैं। क्या लिखा हमने, लता और महिमा स्कूल जाते हैं, स्कूल जाती हैं। क्या हो गया, लता और महिमा स्कूल जाती हैं। ठीक, अब कितने हो गए हमारे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट हो गए प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, यानी हो जाएगा लता, लता एंड महिमा, महिमा डू नॉट गो टू, डू नॉट गो टू क्या हो जाएगा, डू नॉट गो टू स्कूल।
डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमने आपको बता दिया पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने बता दिया आपको नेगेटिव सेंटेंस। अब बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप कैसे बनाएंगे, यानी अफर्मेटिव का एक हो गया, नेगेटिव आपका दूसरा हो गया, और अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। क्या है भाई इंट्रोगेटिव, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है क्या होता है, फर्स्ट टाइप जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें क्या होता है भाई, वेरी इजी। क्या करेंगे इसमें हम, दो तरीके से आपको बता रहे हैं। यानी पहला हो जाएगा आपका डू या डज, क्या हो जाएगा डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक। दूसरा जो इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क हो गया। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सीखना है और सभी के सभी मित्रों में जरूर शेयर करना है। चलिए तो इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं भाई, हो जाएगा क्या लता स्कूल जाती है, क्या लता स्कूल जाती है, तो क्या बन जाएगा लता है सिंगुलर, लता क्या है सिंगुलर, एक ही ना है जी, तो एक है, यानी जब एक लाइन हो तो सिंगुलर और जब डबल लाइन हो तो प्लूरल, ठीक। SSPP कोई फार्मूला को मत भूलिएगा, SS सिंगुलर सब्जेक्ट, PP प्लूरल पर्सन, ठीक है। अभी मैं पर्सन का भी, इसी में पर्सन को भी आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या मैं कहा, क्या लता स्कूल जाती है, तो हो जाएगा लता एक है तो हो जाएगा डज, क्या हो जाएगा डज, फिर हो जाएगा लता डज, लता डज लता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का गो हो जाएगा, जो गो हमेशा अपने साथ टू लेता है, कहाँ जाती है स्कूल जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, हे इसी को बना लेंगे आराम से, कैसे बन जाएगा भाई, यानी क्या लता स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, तो बन जाएगा आपका, हो जाएगा डज लता, उसके बाद क्या आ जाएगा, डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया लता, फिर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो हो जाएगा नॉट, हो जाएगा सब, क्या है वर्ब गो हमेशा टू लेता है, फिर स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल हो गया, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, डज लता नॉट गो टू स्कूल। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसकी शुरुआत होती है किसे, हेल्पिंग वर्ब से होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। चलिए हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भाई, ध्यान दीजिए, तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जो हम बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप की बात करते हैं, क्या होता है भाई ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में, तो यहाँ पे हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब WH टाइप, यानी why, when, what, है ना, why, when, what, why, how, where, how, where, ये सब क्या है, ये सब इस तरीके से क्या हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए। इंट्रोगेटिव के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दो बातें आती हैं, यानी फिर वही डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, फिर इसका जब नेगेटिव अब बनाएंगे तो हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
अदर वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया ना, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल है भाई, जैसे हो जाएगा आपका लता स्कूल कब जाती है, कब जाती है, ठीक, लता स्कूल कब जाती है, तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या बनाएंगे, कब, कब है, तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी ये क्वेश्चन वर्ड है, कब, कब, ठीक है। वाई माने क्या होता है, क्यों, व्हेन माने कब, व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे, और व्हेयर माने कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो क्या हो जाएगा, कब है तो हो जाएगा व्हेन। फिर लता सिंगुलर पर्सन है तो क्या करेंगे, डज, फिर लता को लिखेंगे, ठीक, व्हेन डज लता, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो हमेशा टू लेता है, फिर हो जाएगा स्कूल, ठीक, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो हो जाएगा व्हेन डज लता नॉट, नॉट कहाँ लगाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो कितने हो गए, पूरे के पूरे, एक पॉजिटिव का एक हमने बताया, नेगेटिव का एक बताया, दो हो गया, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में दो बताया तो चार हो गए, फिर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में भी दो बता दिया तो पूरे छः हो गए। तो इस प्रकार से पूरे एक सेंटेंस, एक अनुवाद को आप छः तरीके से बना सकते हैं और आपको अच्छे समझ में आएगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए, तो ये बातें हो गई, अब हम आपको क्या कराएंगे, आपको हम कराएंगे प्रैक्टिस। हमने आपको बताया था कि आपको बेसिक प्रैक्टिस कराना है, बेसिक ट्रांसलेशन आपको देने जा रहे हैं, तो अब आप समझिएगा कि कौन फ्यूचर का है और कौन प्रेजेंट का है। वेरी वेरी इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तो हो जाइए तैयार ट्रांसलेशन करने के लिए, आप सबके लिए है, करिए और मुझे तुरंत बताइए। क्या है भाई, यह बस 10 बजे जाएगी, यह बस 10 बजे जाएगी, यह बस 10 बजे जाएगी, यह बस 10 बजे जाएगी। फ्यूचर के चक्कर में मत पड़िएगा कि गा गेगी आ गया तो फ्यूचर हो गया, ना बेटा ना, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्यों, क्योंकि क्या है, बस 10 बजे जाएगी, बस में पावर है, बस में एबिलिटी है, बस में कंपल्शन है, और ये पब्लिकली है, पब्लिकली तो 90% काम होने की संभावना है, 90% एक्शन हो रहा है, बस को जाना ही जाना है, 10% बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी होता है तभी, नहीं तो 90% एक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। चलिए, बन जाएगा, बहुत आराम से बना लेंगे आप लोग। कैसे बनाएंगे इसको, जाएगा दिस बस, दिस बस क्या हो जाएगा भाई, दिस बस क्या, जाना का क्या लिखेंगे, गोइंग, गो, ना ना ना, बस के लिए, ट्रेन के लिए क्या होता है, डिपार्चर है, पढ़े होंगे आप लोग, डिपार्टिंग टाइम, अराइवल टाइम पढ़े होंगे, तो ये होगा डिपार्च, डिपार्ट्स क्या होगा, डिपार्ट्स, डी पी ए आर टी एस, डिपार्ट्स लग गया ना एस, क्योंकि दिस बस सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया तो वर्ब में एस या एस लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हो जाएगा दिस बस departs at कितने बजे, 10 o'clock, टाइम के लिए हमेशा at का प्रयोग करते हैं, at 10 o'clock, 10 o'clock हो गया ना, हो गया ना, आराम से बिल्कुल जो मैं आपको बताया हूँ, जो समझाया हूँ, जो सिखाया हूँ, आप उसी को अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, बहकिए मत, डरिए मत, जो मैंने बता दिया वही ठीक है, वही सत्य है, क्योंकि मैं काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारे के सारे वीडियो बनाता हूँ, और आपको समझने की ज़रूरत है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करने की ज़रूरत है। चलिए लेते हैं दूसरा एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल्स है भाई, दूसरे की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, क्या हो गया, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, चलिए अच्छा, मुख्यमंत्री कल यहाँ, कल यहाँ आएंगे ही लिख रहे हैं, कोई बात नहीं,
ठीक, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, ठीक, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, क्या है, क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एबिलिटी है, पावर है, कंपल्सन है, पब्लिकली है, क्या है, पब्लिकली है, यानी यहां पर तो सीधे सीधे बात करेंगे, कैसे बनेगा भाई, तो हो जाएगा द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बात को समझिएगा, चाहे कोई भी पोस्ट हो, हर एक पोस्ट के पहले द लगता है, क्या लगता है, द लगता है, द टीचर, द इंजीनियर, है ना, द इंजीनियर, द डॉक्टर, द साइंटिस्ट, द पीएम, द सीएम, ये सब क्या है, पोस्ट है, तो आज के बाद क्लास में जब भी कोई पोस्ट आता है उसके पहले आपको द लगाना है, ठीक, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है तो कम्स क्या हो जाएगा, कम्स, कम्स हियर, कम्स हियर टुमारो, क्या हो जाएगा, कम्स हियर टुमारो, बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब कोई सेंटेंस पब्लिकली होता है उस पर हमारा बस नहीं चलता है, वो हमसे परे है, वो काम 90% होना ही होना है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, जब वो हमारा काम पर्सनल होता है, हम वो काम करें चाहे ना करें, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग, चलिए तो द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कल यहाँ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो आराम से आप बना लेंगे, क्या बनेगा भाई, द पीएम, क्या हो जाएगा, द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर, आराम से बोल सकते हैं, द पीएम निगेटिव सेंटेंस, और हमारा प्रधानमंत्री सिंगुलर तो क्या होगा, डज नॉट, क्या लगेगा, डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट, डज नॉट कम हियर टुमारो, किसकी बात कर रही है, टुमारो की बात, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, ठीक, तो हम किसे टाइम से बता रहे हैं कि टाइम हो गया फ्यूचर का और टेंस हो गया प्रेजेंट का, हाँ यू अंडरस्टैंड, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, चलिए लेते हैं अगला एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल्स है भाई, मेरा भाई यह काम नहीं, यह काम करता है, क्या हो जाएगा, मेरा भाई यह काम करता है, मेरा भाई यह काम करता है, तो क्या होगा, मेरा भाई का माई ब्रदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर काम करता है, करता है, क्या हो जाएगा, डज, डू में लग गया, यस, क्या लग जाएगा, डज, बात समझिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है, और डज कैसे आप पहचान रहे कि ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये क्या है, ये आपका है मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें नेगेटिव में आता है, तो डू है, डू माने करना होता है, डू में क्या लग गया, ईएस लग गया, तो डज हुआ ना, डज हुआ कि नहीं हुआ, तो माय ब्रदर क्या हो गया, माय ब्रदर डज यह काम, हो जाएगा दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा, ठीक, लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स, मेरा भाई काम करता है, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, प्यार करते हो, कौन सा हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव कौन, फर्स्ट टाइप हो गया, तो यू कौन सा, यू आपका प्लूरल, तो डू लगेगा, क्या लग जाएगा, डू, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, डू यू, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हुआ ना, डू यू, ठीक, उसके बाद जाते हैं प्यार करना, लव, क्या हो जाएगा, लव, डू यू, क्या हो जाएगा, डू यू लव, उसके बाद डू यू लव योर कंट्री, क्या हो जाएगा, योर कंट्री, ठीक, योर कंट्री हो जाएगा, डू यू लव योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री, है ना, क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे यू के साथ हमेशा क्या आता है, योर आता है, यू के साथ योर आता है, ही के साथ ही जाता है,
आई के साथ माई आता है, सी के साथ हर आता है, वी के साथ अवर आता है, दे के साथ देयर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने की अंग्रेजी है। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसे ही अपने की अंग्रेजी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि हम यू के साथ यहाँ पे अवर लिख दें, यू के साथ हम अपना हर लिख दें, हम हिज लिख दें, नो दैट इज रॉन्ग। हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग अपने की अंग्रेजी होती है। ठीक है, तो और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए, तो क्या लेते हैं, क्या तुम झूठ बोलना पसंद करते हो। क्या तुम झूठ बोलना पसंद करते हो? तो ठीक, फिर आ गया फर्स्ट टाइप। यानी यदि हिंदी में क्या शुरू में आ जाता हो तो फर्स्ट टाइप, इंग्लिश में यदि शुरू में डू डज यानी हेल्पिंग हो जाता हो तो फर्स्ट टाइप। हिंदी इंग्लिश दोनों को समझिए, हालांकि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या के नीचे वाट नहीं लगेगा। वही क्या जब बीच में रहता तब हम वाट आराम से लगा देते, लेकिन यह क्या होगा, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार पहले हम वर्ब लगाएंगे, यानी पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा भाई, यू बहुवचन है यानी प्लुरल है, तो क्या हो जाएगा, डू, फिर हो जाएगा यू, डू यू, क्या हो जाएगा, डू यू लाइक, डू यू क्या बन जाता है भाई, डू यू लाइक टू टेल अ लाई, हो गया ना। डू यू लाइक पसंद करते हो, टेल झूठ बोलना, टेल अ लाई, डू यू लाइक टू टेल अ लाई, इस प्रकार सेंटेंस बन जाता है।